तो कांग्रेस सीए और एनआरसी के विरोध में शांति पैदल मार्च कर रही है। नागरिकता कानून के विरोध में कांग्रेस देश भर में शांति संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट से खास बातचीत की संवाददाता दुष्यंत पारासर ने। आज एनआरसी और सीए को लेकर पैदल मार्च करने जा रही है और पूरे कार्यक्रम में हुजूम जो है कांग्रेस का वो शामिल हो गया है। इसमें इसकी अगर बात की जाए तो इस तरीके से लगातार कांग्रेस के द्वारा इस पूरे सीए बिल को लेकर विरोध देश भर में किया जा रहा है। लगातार कई मुख्यमंत्री जो है पैदल मार्च कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी उनसे बात करते सर, ये किस तरीके से जो हमारे देश का संविधान, हमारे राष्ट्र का संविधान, हमें भारत का संविधान, हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर उनके नेतृत्व में उनके सानिध्य में बनाया गया, और जब जब भी कोई भी हमारे संविधान की भावना को जो छेड़ने का प्रयास किया जाएगा, और अभी जो वर्तमान की देश की सरकार है ये हमारे संविधान को छेड़ने का प्रयास किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ज्योतिराज सिंधिया जी, और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में शांति मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। देश के अंदर जब जब भी कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा, राष्ट्रपिता गांधी जी की भावनाओं को देश पहुंचाने का प्रयास करेगा, नहीं किया जाएगा। तमाम बीजेपी जो है यहाँ पे उनके आपसे बोलता है, जिस लोकसभा देश के गृह मंत्री ने अपना जो वक्तव्य दे रहे थे उनकी भाषा का मैं शामिल शामिल हुए हैं, और एक तरीके से केंद्र सरकार की बात की जाए तो सरकार हमारे का भी उन्होंने जवाब दिया है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ दुष्यंत पारासर।